हाँ जी, यूके वाले ने जो धमाका किया उसके बारे में तो सबको पता चल ही गया होगा, टिकटॉक से, यूट्यूब से। और ये धमाका बड़ा जबरदस्त हुआ है। पहले था, इन्होंने सिर्फ एक छोटा सा एटम बम गिराया था कि हाँ जी ये वीजा स्विच नहीं करवा सकते 2024 से। पर रात को जो इन्होंने परमाणु बम छोड़ा स्टूडेंट के ऊपर, उसका तो सबको सबका सत्यानाश कर दिया। मतलब अभी जो ये न्यूज है बहुत बैड न्यूज है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो अभी अपना वीजा नहीं चेंज करवा सकते। और इसका रीजन क्या था कि वो अपनी नेट इमिग्रेशन को कम करना चाहते थे। और इसका एक ये भी बड़ा सबसे बड़ा रीजन था कि स्टूडेंट जो थे वो 18-20 लाख दे के वो अपना वीजा स्विच करवा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि यार बंदा अपनी फीस नहीं दे रहा, वो 18-20 हजार पाउंड दे के कैसे वो इतना पैसा इकट्ठा करके अपना वीजा स्विच करवा रहा है। तो जी अभी फिर उन्होंने ये रूल निकाल दिया, तो बस जी सब कुछ फिनिश हो गया। अभी अभी स्टूडेंट जो है अपनी स्टडी पूरी करेगा, उसके बाद जाकर वो अपना वीजा चेंज करवा सकेगा। और जो डिपेंडेंट वाला रूल है वो है कि वो 2024 से अप्लाई होगा, बट उनका भी कोई पता नहीं कि क्या पता हम रात को आराम से सो जाए और अगले दिन ब्लास्ट हो जाए कि जी ये चीज भी अप्लाई हो गई है। तो बच के चलो, बहुत बैड न्यूज है, बड़ा कुछ आने वाला है। मतलब ये सरकार अब ऐसे सब लोगों को कंट्रोल करेगी कि लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कि यार ये बन क्या रहा है, ये सिस्टम हो क्या रहा है। तो प्लीज बच के थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, किसी भी जो न्यूज आती है उसको थोड़ा सा सोचो। अगर एक न्यूज बार बार घूम रही है ना, काफी लंबे टाइम में चर्चे में आ रही है, तो डेफिनेटली कुछ उसका बैड होने वाला है, डेफिनेटली। और जैसे देखो अभी इन्होंने बोला था कि जी जो स्टूडेंट है वो स्विच नहीं करवा सकते, हम ये रूल 2024 में अप्लाई करेंगे जनवरी में। और जब रात को सोए और सुबह उठ के देखा ये रूल ही चेंज हो गया। और जिनकी कोर्स लेटर वगैरह सब कुछ आ चुका था वो भी इनक्लूडिंग है कि वो भी ये कैंसिल करेंगे। और अभी आप देखना, मैं 100% श्योर हूँ जिन्होंने ऑलरेडी वीजा चेंज करवा लिए ना वो भी इसमें जाएंगे। अभी बहुत कुछ बंद होने वाला है, बहुत कुछ। जो छोटे छोटे केयर होम है, जिन्होंने होम डिलीवरी होम का किया था कि हाँ आप डोर टू डोर जाके कर सकते हैं, वो भी जाएंगे। और बचेंगे वो जो ऑफिशियल कंपनी है, मतलब जिन जो काफ़ी बड़े ब्रांड है, जैसे ब्रांड होते हैं ना, मतलब कि ये नहीं कि अभी कंपनी खुली छोटी सी और उन्होंने अपना सब कुछ करवा दिया ना, मुड़ के बाद में अपने वीजे बारे में सब कुछ जो डिटेल देनी शुरू कर दी या कुछ भी किया जो स्टूडेंट को वीजा दिया। और जो मेन कंपनी होती है, जो बड़ी बड़े ब्रांड होते हैं ना, वो कभी भी ऐसा नहीं करते, वो कभी भी पैसा लेके वीजा चेंज नहीं करते। वो पहले उनको जेन्युइन काम दिखाना पड़ता है, फिर जाके वो वीजा चेंज करते हैं। और उनकी भी विश होती है कि हाँ इनको वीजा देना है कि नहीं देना है। तो यही चीज हुई है अभी यूके में। तो बच के चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।